हेलो दोस्तों, आप सभी ने वो गजल तो सुनी ही होगी। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। तो जेम्स गन साहब एमसीयू से जाते जाते फाइनली हम एक बढ़िया मार्वल फिल्म दे गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हाल फिलहाल की ज्यादातर मार्वल फिल्मों ने हमें निराश किया है, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 हो, थॉर लव एंड थंडर हो, ब्लैक पैंथर 2 हो, या फिर अभी अभी की एंटमैन 2 हो। लेकिन डीसी के हो चुके जेम्स गन साहब ने एक लंबे अरसे बाद हमारी नजर एक ऐसी अच्छी एमसीयू की फिल्म की है जिसे भरे थिएटर में देखने में मजा आ जाता है। 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वो पहली फिल्म है जो मार्वल की पुरानी चमक वापस से बिखेरती है, अच्छी कहानी सुनाती है, बढ़िया ह्यूमर पेश करती है। इसके स्पेस एडवेंचर में भी मजा आता है और सबसे बड़ी बात, इसके किरदारों में हम इमोशनली इन्वेस्ट रहते हैं। ये जेम्स गन की ही काबिल स्टोरी टेलिंग है कि कंप्यूटर कारीगरी से बने एक रॉकेट नाम के नकली जानवर के लिए इस फिल्म में हम न सिर्फ कई बार इमोशनल होते हैं बल्कि सच बात तो ये है कि उसकी बैक स्टोरी देखते वक्त रो तक देते हैं। जिस तरह ये डायरेक्टर इंसानों और जानवरों की आपसी मोहब्बत को इन सुपरहीरो कहानियों में प्यार से एक्सप्लोर करता है, चाहे वो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी हो या फिर द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर हो, वो कमाल की इमोशनल स्टोरी टेलिंग को जन्म देता है। इस फिल्म की एक ये भी खास बात है कि ये गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम की ट्रिलोजी को एक बढ़िया अंत देती है, सारे किरदारों को क्लोजर भी देती है और नए रास्तों पर भी छोड़ कर आती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंटरकनेक्टेड फिल्मों और सीरीजों के बीच आज के दौर में अपनी खुद की फिल्मों को लगातार बेहतर बनाए रखना बेहद मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम में असफल होते हुए हम थॉर फ्रेंचाइजी, एंटमैन फ्रेंचाइजी और लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी को भी देख चुके हैं, लेकिन गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 ने साबित कर दिया है कि अगर डायरेक्टर तगड़ा हो तो कई सारी कंफ्यूजिंग टाइमलाइंस के बावजूद आप एक बेहतरीन ह्यूमन स्टोरी बयां कर सकते हो, अगर आपका फोकस सिर्फ VFX ना हो, सिर्फ अजीब अजीब से क्रिएचर्स और विलेन क्रिएट करना ना हो, बल्कि आपके पुराने किरदारों को नए इमोशनल आर्क देना हो जिनसे ऑडियंस उसी तरह जुड़ी रहे जैसे एंडगेम तक की मार्वल फिल्मों में पुराने सुपर हीरोज से गहरे तौर पर जुड़ी रहती थी। हालांकि फिल्म अपने क्लाइमैक्स में आकर आपको थोड़ा बहुत निराश कर सकती है क्योंकि बहुत हाइप बनाई गई थी कि ये किरदार मर जाएगा, वो मर जाएगा। कई एक्टर्स कह रहे थे कि इसके बाद वे अपने किरदारों में वापस नहीं लौटेंगे, तो इन सब खबरों से जो एंटिसिपेशन बिल्ट हुई थी वैसा क्लाइमैक्स आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी फिल्म है जिसमें सारे गार्डियंस एक साथ नजर आएंगे। हालांकि मार्वल का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी सभी को साथ ला सकता है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम 3 को अगर आप इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म मानते हुए देखते हैं तो ये अलग तरह से आपको इमोशनली हिट करती है, चाहे स्टार लॉर्ड और गमोरा के साथ वाले सीन हो, नेब्यूला और गमोरा के हों, मैंटिस और ड्रैक्स के हों, प्यारे ग्रूट के हों, गोल्डन रिट्रीवर के हों, या फिर रॉकेट की ही बैक स्टोरी हो। इन शॉर्ट, अगर आप पहली वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वक्त से इन किरदारों से गहरे जुड़े रहे हैं तो ये फिल्म एक खूबसूरत गुड बाय है, बढ़िया फेयरवेल है जो आपको हंसाएगी भी रुलाएगी भी, इमोशनल बहुत करेगी और अकेला रॉकेट ही आपका दिल जीत लेगा। ऑल थैंक्स टू जेम्स गन। तो इस एंटरटेनिंग मार्वल फिल्म को जरूर देखिएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।